मेरा नाम आदेश कुमार है। मैं CST के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे स्कूल का नाम है राजकीय प्राथमिक पाठशाला कट एजुकेशन फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश। मेरा नंबर 4 है। एक बार मुझे SSC की ट्रेनिंग में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ पर इनोवेशन के बारे में बात कर रहे थे। वो इनोवेशन की बात करने के बाद मुझे जो वहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई, मैं उस प्रेरणा को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं पाठशाला में आता तो समय समय पर हमें कठिनाइयाँ तो बेटी को आती हैं, उनका समाधान भी होता है, लेकिन कुछ जो शून्य निवेश से संबंधित हमें वहाँ पर मुश्किलें आई, वो मेरी कुछ इस प्रकार थी। मैं जब भी कोई पाठशाला में सामान लेकर आता था, अध्यापक मुझे कहता था कि इसे कहीं सुरक्षित अलमारी में रखो। तो एक दिन होगा, दूसरे दिन होगा, और सामान में देखता रही तो ऐसे पड़ा हुआ है। फिर मैंने उनको कहा कि सुरक्षित स्थान पर रखो, कि अलमारी में, ट्रैंक में। तो कहते सर, हमें अध्यापक कहते हैं सर, यहाँ तो पहले सभी भरे पड़े हुए हैं, ट्रैंक के लिए अलमारी में, हम सामान कहाँ रखें, इसके लिए आपको नई अलमारी खरीद करानी पड़ेगी। मैंने कहा आप एट ए टाइम पैसे का कहाँ से जुगाड़ करूँ, कहाँ से नई अलमारी खरीद कराऊँ। मैंने कहा पहले से भरी पड़ी हुई, कहते हाँ। मैंने कहा कोई बात, मैं देखता हूँ अलमारी में। एक अलमारी खोली, उसमें देखा तो स्टेशनरी भरी हुई, स्टेशनरी भरी हुई है। मैं स्टेशनरी को देखा, उसमें दीपक लग गई, जहाँ दीपक लग गई वो पास अलमारी को जंग लग रहा, जंग लग रहा। मैं बाहर निकाला सभी को, तो उसको रखा और देखा कि है क्या, है स्टेशनरी है क्या। वो देखा तो सन 2003, 2004, 2005 ऐसे उसमें स्टैंप लगी हुई है, बच्चों की आंसर शीट भरी हुई थी पुरानी, स्टेशनरी रजिस्टर सब कुछ भरा हुआ, जिसको आदि तो कुछ दीमक ने खा ली थी। मैं सभी निकाल कर बाहर रखी, और 1 साल तक स्कूल का कोई पैसा खर्च नहीं किया। सारी स्टेशनरी बच्चों के एग्जाम वगैरह में, और जो जो स्कूल में डाक तैयार करनी होती है उसमें उसके प्रयोग किया। पूरा 1 साल वो स्टेशनरी का प्रयोग करके अलमारी को सुरक्षित स्थान पर सुरक्षित साफ सुथरा करके रखा हुआ। जो भी सामान रखा था मैंने कहा अब इसको अलमारी में रखो, अलमारी करनी होगी, हमारी भी काम आएगी, हमारा जो स्टेशनरी थी वो भी काम आएगी, और जो नया सामान था वो सुरक्षित हो गया। इसी प्रकार मैंने एक अलमारी खोली, उसमें देखा तो कई वर्षों से उसमें लाइब्रेरी की पुस्तकें भरी हुई, जैसे ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन की, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन की सन 1994, 1995 की किताबें आ गई थी, वो भी उसमें भरी भरी हुई थी, उनको भी दीमक खा रही। मैंने कहा ये कैप किस लिए किताब रखी हुई, कहने इसका रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड है बाहर रखेंगे तो बच्चे बाहर देंगे, घर पूरे जाएंगे, ऐसे में कोई बात नहीं। जहाँ दीमक खाने से अच्छा है बच्चे पढ़ लेंगे, और कोई बच्चा पढ़ लेगा। मैंने एक रैक मंगवाया, रैक मंगवा कर उस पर सभी किताबें रख दी, और बच्चों को कहा बच्चों जब भी आपको खाली समय मिले इन किताबों को पढ़ो। तो मैं देखता था कि बच्चों को जब भी खाली समय मिलता तो पढ़ते थे, लेकर आधी छुट्टी में भी बच्चे खाना खाने के बाद खेलने के बजाय किताबें पढ़ने में व्यस्त रहते, और उसमें भी देखा कि बच्चे पढ़ने में भी बिजी हो गए और नई नई किताबें पढ़ रहे हैं, सिलेबस से हटकर पढ़ रहे हैं, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। इससे बाद में क्या होगा, अलमारी भी खाली होगी और उसमें नया सामान भी रख सकते थे, अलमारी भी बच गई, सामान भी बच गया, और बच्चों को पढ़ने में रुचि पैदा हुई। उसके बाद ऐसे क्रम चल रहा अलमारी खोलने का, मैं तीसरी बारी और खोल दी। उसमें देखा तो जब से स्कूल खुला है, हमारा स्कूल खुला है वो 1964 का, 1964 का स्कूल खुला है, तो 1964 का स्कूल खुला उस समय का वहां का रिकॉर्ड रखा हुआ, जैसे बच्चों के हाजिरी को रजिस्टर डाक पाए गए आदि। तो मैंने उसको खोला, उसका वही हाल, दीमक खा रही, जहाँ दीमक खा रही वहां अलमारी को जंग खा रहा। मैंने देखा ये भी रिकॉर्ड भी बर्बाद हो जाएगा और ये अलमारी बर्बाद हो जाएगी। मैंने जो सारा सामान निकालकर ऐसे एक सरल बनी होती है, मैंने सरल पर सारा लटका दिया, और जैसे मैं वो रिकॉर्ड खोल कर देखा रखने से पहले, मैंने स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा ये देखो ये रिकॉर्ड है भी सारा उर्दू और पंजाबी में लिखा हुआ, आप में से क्या उर्दू और पंजाबी भाषा जानता है। कहते नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट ऊना जो 1972 में जो हिमाचल के साथ अटैच हुआ उस पर पहले पंजाब में था, पंजाबी में उर्दू। मैंने कहा जानता हूँ पढ़ना, किस लिए इस्तेमाल में रखता है। कहते हम तो वो जानता नहीं। मैंने इस्तेमाल रख क्यों रखा हुआ है अलमारी को, इसको दीमक खा रही है रिकॉर्ड को, अलमारी को जंग खा रहा, अलमारी के पास सामान भी। मैंने कहा जब भी इसको जरूरत पड़ी पढ़ने वाला आएगा, इसको संभाल कर रखो,
और अलमारी खाली करो। मैंने इसलिए अलमारी खाली कर, और मैं देखा कि अगर जो काम जहाँ से प्रेरणा नवाचार की कक्षा से प्रेरणा ना मिली होती तो ये सारा रिकॉर्ड भी खराब हो जाता सरकार का, दिया पैसा बर्बाद हो जाता, अलमारी बर्बाद हो जाती है, और स्टेशनरी बकायदा किताब रिकॉर्ड सब भी बर्बाद हो जाता, और अगर मैं भी उनकी तरह नहीं अलमारी कर जाता। सो मुझे जो जहाँ प्रेरणा मिली मैं आपके सबके सामने शेयर की।